हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र कुशवाहा, स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एंथ्रोपर के जेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप पिक्सेल ऐप को चला सकते हैं। सारे ऑप्शन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देने जा रहा हूँ, आपको मैं फोटो एडिट करके और यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल बना के दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आगे दोस्तों, अपने मोबाइल को हम स्क्रीन पे, चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप चला सकते हैं पिक्सेल लैब को। तो प्ले स्टोर से आपको वहाँ पे सिंपली सर्च करना है पिक्सेल लैब और उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास सिंपली उसको ओपन कीजिए दोस्तों। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कितने सारे बैकग्राउंड से दोस्तों, आपको यहाँ पे कोई भी एक चूज कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने कोई भी बैकग्राउंड चूज कर लेता हूँ। और जो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा है दोस्तों, हम सिंपली से डिलीट करना चाहते हैं तो हमें डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगी दोस्तों। ऊपर देख रहे हैं पॉइंटर पे, आप सिंपली से इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आपके यहाँ पे दिख रहा हो दोस्तों बैकग्राउंड। अब यहाँ पे बैकग्राउंड जो है कितनी साइज वाली चाहिए, तो साइज मिलाने के लिए आपको सिंपली से थ्री डॉट्स पर क्लिक कर लेना है। वहाँ पर ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों आपके पे। उसके बाद इमेज साइज का ऑप्शन पर चले जाना है आपको, कस्टम पे चले जाना है। कस्टम पे चले जाने के बाद आपके पास देख सकते हैं फेसबुक कवर आर्ट या गूगल प्लस के लिए या यूट्यूब बैनर या यूट्यूब थंबनेल। तो मैं आपको पे एग्जांपल देता हूँ यूट्यूब थंबनेल के लिए, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो सर्च करते हैं अपने यूट्यूब वीडियो के जी थंबनेल होता है जैसे दोस्तों ना थंबनेल, उसको बनाने में। चलिए दोस्तों, मैं यूट्यूब थंबनेल चूज़ कर लेता हूँ और ओके अब कर देना है। तो यूट्यूब थंबनेल की जो वीडियो की जो होता है दोस्तों साइज सिंपली से आ गई है और यही साइज होता है यूट्यूब वीडियो के थंबनेल की। उसके बाद चलिए आपके पास और एडिटिंग बताने जा रहा हूँ किस किस ऑप्शन के बारे में दोस्तों। बहुत सारे ऑप्शंस है, तो सिंपली से अगर आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों में स्क्वायर और एम, तो आपको सिंपली से इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट जब आप कर लेते हो तो कोई भी फोटो आप अपने चूज कर लीजिए। फोटो मैं चूज कर लेता हूँ दोस्तों, ओके कर लीजिए। अब आप सोच रहे हैं दोस्तों इसका बैकग्राउंड किधर गया है, इस फोटो का बैकग्राउंड किधर गया है। तो दोस्तों इसका बैकग्राउंड मैंने छुपाया हुआ है नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक वीडियो भी है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए, लिंक मेरा ही वीडियो है। उससे आप अपने वीडियो की जो फोटो की जो बैकग्राउंड हो दोस्तों ना, उसको आप कम्प्लीटली इरेज कर सकते हैं। तो ऐसे फोटो आप पा सकते हैं, वीडियो देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। उसके बाद फोटो से मतलब फोटो है दोस्तों, उसको आपने अच्छे से सेट कर लेना है। सेट आप जब कर लेते हो तो आपके टेस्ट की ज़रूरत होती है। तो टेक्स्ट के लिए आपको पे सिंपली से क्या करना है, ए वाले ऑप्शन पे चले जाना दोस्तों, ए टेक्स्ट कर लेना है। टेक्स्ट करने के बाद आपको सिंपली से एडिट पे क्लिक कर लेना है। तो जो भी अपने टेक्स्ट मतलब रखना चाहते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने चलिए दोस्तों मैं रख लेता हूँ यहाँ पे मेक यूट्यूब थंबनेल। तो मेक तो यहाँ पे आ गया दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये चला गया, फिर से हम करते हैं। वहीं आपको मेथड अप्लाई करना है, एडिट करना है, मेक करना है आप दोस्तों। हम एक की कोई भी आप मतलब टेस्ट रख लीजिए दोस्तों, टेस्ट रखते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पे क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे दोस्तों, तो ये बड़ा होगा, बड़ा होगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप इसको भी एडिट कर सकते हैं, देख सकते बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों। कलर पैडिंग किधर आप करना चाहते हैं, लेफ्ट पैडिंग राइट पैडिंग, किधर आप रखना चाहते हैं अपने वीडियो को टेक्स्ट को। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली से देख सकते हैं कि साइज भी है दोस्तों, आप साइज कितना रखना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं यहाँ से भी आप। उसके बाद कलर आप देख सकते हैं, कलर यहाँ पे मिक्सिंग मिल जाएगी ग्रेडियंट। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली से कोई एक कलर भी चूज कर सकते हैं या मिक्सिंग कलर भी चूज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कितने सारे कलर्स हैं, देख सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, रोटेट वाले, ए बी फॉन्ट वाले, किस स्टाइल में आपको टेक्स्ट चाहिए, देख सकते हैं दोस्तों। फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेक कितना अच्छा से मैंने रख दिया है। उसके बाद अपना टेक्स्ट जो है उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, सिंपली से बोल्ड पर क्लिक कीजिए और आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद जो होता है जो बैकग्राउंड, उसको अगर आप एनेबल कर देंगे तो अपने बैकग्राउंड भी एनेबल हो जाएगी, कोई भी बैकग्राउंड रख सकते हैं। देख सकते हैं कितना मस्त हो गया दोस्तों। तो आप ऐसे ही सोच रहे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं दोस्तों, बहुत सारे बड़े बड़े होते हैं, वो ऐसे ही यूट्यूब के थंबनेल जो होता है ऐसे ही क्या करते हैं अपने बनाते हैं। अभी और सारे ऑप्शन है दोस्तों, अभी क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लीजिए।
उसके बाद स्टॉक भी है दोस्त, इसको भी एनेबल कर सकते हैं लाइनिंग वाला। यहाँ पे दोस्त देख सकते हैं कोई भी लाइन कर सकते हैं और इसको यहाँ पे बड़ा भी कर सकते हैं लाइन। देख सकते हैं कितने मस्त से मैंने एक टेक्स्ट को क्या कर दिया दोस्तों, कितना अच्छे से सजा रहा हूँ। उसके बाद 3D टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कितना मस्त से 3D हो गया है दोस्तों। शैडो भी यहाँ पे ला सकते हैं आप, जैसे नीचे वाले शैडो आ गया है, कितना मस्त से है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा शैडो भी आ गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे रोटेट करने वाला भी ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसके बाद अगर आप कोई सेप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे शेप्स में आ जाएंगे, बहुत सारे शेप्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियो के लिए और बहुत सारे फोटो भी एडिट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप खुद इमेजिन कीजिए दोस्तों, मैंने एक टेक्स्ट को इतना मस्त से बना दिया, तो अगर आप दूसरे वाले टेक्स्ट हैं दोस्तों उसको आप अप्लाई करें तो कितना मस्त होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पर थोड़ा भी लगा कि वीडियो पसंद है तो थोड़ा लाइक भी करना है बनता है दोस्तों, और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत।